नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। राष्ट्रपति पद को लेकर आदिवासी चेहरा और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम लगभग फाइनल हो गया है। वे राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे नजर आ रही हैं। भाजपा इसकी घोषणा 19 जून यानी कि आज होने वाली एक बैठक के बाद कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक द्रौपदी के नाम को लेकर एनडीए के अन्य घटक दल व बीजू जनता दल के खास तौर से सहमति जताई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सत्ताधारी दल बीजेपी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सर्वसम्मति बनाना चाह रहा है। इस बीच पार्टी ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च पद के उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। बीजेपी संसदीय बोर्ड एनडीए के भीतर विचार विमर्श के बाद रविवार 19 जून शाम तक या अधिकतम 25 जून तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। राजनीति के जानकारों का कहना है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आदिवासी समुदाय पर भाजपा का फोकस है। पार्टी को लगता है कि आदिवासी वोट उसकी योजनाओं की कुंजी है। अभी तक देश में कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं रहा, इस लिहाज से मुर्मू आदिवासी और महिला दोनों वर्ग में फिट बैठती हैं। भाजपा कह सकती है कि इसने समुदाय को सशक्त बनाया है और इसका उसे स्पष्ट तौर पर चुनावी लाभ मिल सकता है। ओडिशा के आदिवासी जिले मयूरगंज के रायरंगपुर गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। वह झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। द्रौपदी 18 जून 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर रही हैं। वह झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं। अपने बेहतर फैसलों को लेकर उन्हें जाना जाता है। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में राज्य के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने उनको पद की शपथ दिलाई थी। तब देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी में शपथ ली थी। उन्होंने तब के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद की जगह ली थी, जिन्हें बाद में मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू साल 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक रही। वह पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनाया गया। वह बीजेपी और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रही हैं।